राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लौकी की ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने एक बड़े साइज का लौकी ले लिया था, उसमें से मैंने आधा इसमें से काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। जो महीन वाला ग्रेटर होता है उसी से हम इसे कद्दूकस करेंगे, मोटे वाले से बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। और सारे लौकी को हम कद्दूकस करके, चलिए आपको मैं बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और इसमें जो भी बीज होंगे उसे हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा बहुत बीज आ गए हैं इसके, इसे हम बाहर निकाल देंगे। आप चाहें तो इसे कोई भी पतीले में थोड़ा सा पानी डालकर इसे उबाल सकते हैं, या फिर कुकर में भी इसे आप डालकर उबाल सकते हैं। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालकर हम इसे उबाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है। देखिए, मैंने सारे बीज को निकाल दिया है, इसमें हमें बीज बिल्कुल नहीं डालना है। और यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स इसे कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया है। 3 से 4 सीटी देने के बाद मैंने इसे देखिए एक स्ट्रेनर में पलट दिया है और इसका पानी सारा निकल गया है और ये अच्छी तरह से उबल चुका है, आप देख सकते हैं। और अब चलिए फ्रेंड्स इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 250 ग्राम दही ले लिया है और दही को खूब अच्छी तरह से पहले हमें फेंट लेना है। फ्रेंड्स मैं इसमें अभी चीनी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे दो तरह का इसे बनाना है, एक चीनी का और एक गुड़ का। अगर मैं आप इसे सिर्फ चीनी का बना रहे हैं तो आप इसी समय चीनी डालकर इसमें फेंट सकते हैं। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा फ्रेंड्स इसे खाना है आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी की मात्रा डाल सकते हैं। दही तो मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और यहाँ पर देखिए जो हमारा लौकी है इसे हम अपने हाथों से निचोड़ देंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा ये देखिए इस तरीके से निकल आएगा। सारा पानी हम इसी तरीके से इसका निचोड़ देंगे और इसे एक अलग बर्तन में रख देंगे। फ्रेंड्स आज मैं इसका रायता बनाने जा रही हूँ, दही और लौकी की। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने इसका सारा पानी निचोड़ दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल में हम 1 चम्मच उबला हुआ लौकी डाल देंगे। और जो मैंने फेंट कर दही रखा हुआ है इसको भी हम लगभग आधा कप के करीब इसमें डाल देंगे। आपको दही की मात्रा कितना डालना है आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और दही को डालने के बाद हम इसे खूब अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे, इतना ही दही हमें इस रायते में डालना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया है, मैं इसे गुड़ और चीनी दोनों में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक साथ इसे नहीं मिलाया है, अलग अलग हम इसे मिलाएंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे काला नमक, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई चीनी। और अब हम डालेंगे इसमें फ्रेंड्स भुने हुए जीरे का पाउडर। जीरा को मैंने भुनने के बाद इसको मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से पीस लिया है, हल्का सा ही हम इसे डालेंगे। और थोड़ा सा अनार के कुछ दाने डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे जब भी खाना हो तभी नमक इसमें डालें, नमक डालकर इसमें बिल्कुल ना रखें, नहीं तो हमारी दही जो है खट्टी हो जाती है, इसलिए फ्रेंड्स इसे खाते ही समय इसमें नमक डालें। नमक डालकर इसमें बिल्कुल ना रखें, नहीं तो दही हमारी खट्टी हो जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ऊपर से थोड़े से कुछ अनार के दाने और हम डाल देंगे, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, एक बार आप ट्राई ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स। इसे आप फ्रिज में रखकर खाइए ठंडा करके, ये और भी टेस्टी लगते हैं। हमारा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।